नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। आज की वीडियो हम रेविट आर्किटेक्चर पे बनाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिकली आप जो रूम्स की डायमेंशंस कैसे दे सकते हैं। जैसे आप रूम टैगिंग यूज करते हैं उसमें आप देख पाओगे कि आप स्क्वायर फीट डाल सकते हैं, वॉल्यूम उसका शो कर सकते हैं, रूम नेम एंड नंबर डाल सकते हैं, और अगर हमें वहां पे डायमेंशन डालनी है कि लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, तो उसके लिए हमें मैनुअली टेक्स्ट की हेल्प से उसको लिखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेटिकली आप रूम टैगिंग के साथ साथ आप लेंथ और विड्थ को भी वहां पे शो कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो वहां पे आपको शो करेगा। तो आज की वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये रेविट आर्किटेक्चर में एक ड्रॉइंग है, एक प्लान है, हम इसमें करके देखेंगे रूम टैगिंग को। तो यहाँ पे मैंने रूम टैगिंग जो लगाया वहां पे नॉर्मली अगर आप देख पाएंगे रूम नेम एंड रूम नंबर आते हैं, ओनली रूम नेम एंड रूम नंबर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रूम नेम नंबर की जगह कितनी डायमेंशन है वो मेरे को यहाँ पे शो करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और एक न्यू फैमिली ओपन करेंगे। यहाँ से फैमिली पे क्लिक करें और फैमिली ओपन करने के बाद हम इंपीरियल में वर्क कर रहे हैं, तो इंपीरियल वाली फैमिली में एनोटेशन पे जाके हम रूम टैगिंग को यहाँ से ओपन करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद एक न्यू विंडो आती है मेरी यहाँ पे। इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है लेबल का, लेबल पे क्लिक करें, स्क्रीन पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे आएगा कि आपको लेबल में क्या लिखना है। सबसे पहले तो मेरे को लेना है नेम, नेम को यहाँ पे इम्पोर्ट करें, एंड कर दे ओके। तो देखो आप यहाँ पे आपका एक नाम आ जाएगा लिखा हुआ जो वहां पे आएगा रूम नेम। इस नेम पे हम एडिट टाइप पे जाएंगे और हम इसको यहाँ पे ओपैक की जगह हम इसे कर देंगे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अगर ओपैक है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे तो पीछे वाली चीजों को वो व्हाइट कलर में ले रहा है। मेरे को ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो एडिट टाइप में जाए और ओपैक की जगह आप इसे ट्रांसपेरेंट कर दे। और फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं कि मेरे को इसका फॉन्ट कैसा चाहिए, जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहें, टेक्स्ट साइज आपको क्या चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से इजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो जाएगा। कलर क्या चाहिए आप कलर चूज कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए, आप रेड कलर ले सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो रेड कलर में आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ जो डायमेंशन है लेंथ और विड्थ रूम की, तो उसके लिए दोबारा मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ पे लेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शंस आएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे है एड कैलकुलेटेड पैरामीटर टू लेबल, आप इस पे क्लिक करें, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, नाम है कि हम यहाँ पे लेंथ डालते हैं। लेंथ मैंने इसलिए डाला क्योंकि हम स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल लेंथ को मेजर करते हैं, उसके बाद हम विड्थ को बताते हैं, तो पहले हम लेंथ लेंगे फिर हम विड्थ लेंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन आप कॉमन रखें, टाइप में जाके आप करें यहाँ पे लेंथ पे क्लिक, क्योंकि लेंथ लेंथ के अकॉर्डिंग मेजर होती है। और फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला के लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपके पास ये वाला एक लिंक होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जाके और इसी चीज को मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, वहां से पेस्ट कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करना है। ये फॉर्मूला होता है विड्थ को मेजर करने के लिए, तो आप यहाँ पे जाए फॉर्मूला पे यहाँ पे पेस्ट कर दें, सिंपल आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने। उसके बाद आप करें ओके, आपका यहाँ पे लेंथ आया। अब लेंथ और जो वो एक्स का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप उसे कोई भी साइन लगा सकते हो, आप यहाँ पे एक स्पेस देके एक्स यहाँ पे ट्राइड कर सकते हो या फिर बिगर एक्स आप यहाँ पे लगा सकते हो सफिक्स में, क्योंकि ये सफिक्स में लगता है। ठीक है, सफिक्स होता है जो लास्ट में लगता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब हमें यहाँ पे विड्थ निकालनी है, विड्थ के लिए आप दोबारा से एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे नेम यहाँ पे रखें विड्थ। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप को अगेन लेंथ करें, क्योंकि लेंथ के अंडर आपका ये आएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है एरिया, एरिया यहाँ से चूज करें और उसको कर दो डिवाइड का सीन, डिवाइडेड बाय, और आप इसे कर दें जो हमने यहाँ से लेंथ ली है, ये लेंथ यहाँ पे एड हो जाएगी, एंड ओके करें, एंड ओके, ये आपका यहाँ पे आ जाए, एंड कर दे ओके। तो यहाँ पे लिखा आएगा लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर है,
ये आपका यहाँ पे लेंथ इनटू विड्थ आ गया। अब इसी चीज को मैं सेव भी कर सकता हूँ बाद के लिए, आप इसे सेव एज कर सकते हैं, एज ए फैमिली, आप डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी सेव करना चाहे सेव करें, और आप यहाँ पे डाल सकते हैं रोम टैग लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर है? उसके बाद इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद अब मेरे को इस प्रोजेक्ट में ये चीज चाहिए, तो आप इसे लोड इनटू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका जो रूम टैग पहले सिलेक्ट था, अब एक न्यू आ गया है यहाँ पे रूम टैग लेंथ इनटू विड्थ। अब आप यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन पे, कमांड से बाहर आए, रूम पे क्लिक करें, चूज करें, और यहाँ पे जाएंगे आप क्लिक कर दें तो आपको डायरेक्टली वो एरिया के साथ ही दिखाएगा। अगर आपको साइज बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, स्केल को कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाला स्केल चूज किया ताकि वो इस साइज में आए। दोबारा रूम टैग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया कैंसिल। अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्योंकि अगर मेरे को इस किचन को टैग करना है तो आप जानते हैं कि रूम सेपरेटर मुझे लेना पड़ेगा, और इस किचन को सेपरेट करना पड़ेगा, और इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा, तब जाके मैं सेपरेटली इनको टैग कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब इसको चेंज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके लेंथ और विड्थ कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करके आप यहाँ से विड्थ एंड एरिया कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको एरिया भी दिखाए साथ में, और इसको क्लिक करके आप विद वॉल्यूम भी कर सकते हैं। वॉल्यूम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रूम एरिया पे जाना पड़ेगा, एरिया एंड वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम को आपको क्लिक करना होगा। ओके करेंगे तो ही आपको यहाँ पे वॉल्यूम शो करेगा। क्लियर है? और इसको चेंज कर सकते हैं आप लेंथ और विड्थ में, कुछ इस तरीके से आपकी लेंथ और विड्थ यहाँ पे शो करेगी। अब इसे चेकआउट भी कर लेते हैं कि ये लेंथ और विड्थ मेरी सही भी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एनोटेट पे। एनोटेट पे जाने के बाद हम यहाँ से अलाइन डायमेंशन चूज करेंगे और यहाँ से हम इस डायमेंशन को चेक करेंगे। ये देखो, अगर आप डायमेंशन को चेक करते हैं यहाँ से तो आप देख पाएंगे कि लेंथ 11 फीट 11 इंच, 11 फीट 11 इंच, और 16 फीट 3 इंच, 16 फीट 3 इंच आपकी इस तरीके से एग्जैक्ट आ रही है। अब अगर मैं इसकी लेंथ को चेक करूं, अगर मैं इसका एरिया देखूं तो इसने इस वाले एरिया को भी ऐड किया है। अगर मैं अब इसकी लेंथ और विड्थ को चेक करता हूं, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाओ, यहाँ पे दिखाएगा इतना, मतलब जो फर्स्ट में दिखाता है वो दिखाता है लेंथ, ये मेरी लेंथ है और ये मेरी विड्थ है। हमेशा इस तरीके से ही हम आर्किटेक्ट काम करते हैं, लेंथ पहले लिखते हैं, विड्थ बाद में लिखते हैं। तो अभी लेंथ ये दिखा रहा है 16 फीट 16 इंचेस, और विड्थ दिखा रहा है 15 फीट 2 इंचेस। ये इसने क्यों दिखाया है, क्योंकि थोड़ी सी इसको कैलकुलेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आई है। इसने तो अपना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है, बट जो एरिया हो गया अब इसका, अब वो इतने एरिया को भी इसने इंक्लूड किया है। अब अगर मैं इतने ओनली पर्टिकुलर रेक्टेंगल होता तो उसका एरिया बिल्कुल वो अच्छे से दिखाता। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, रूम सेपरेटर पे क्लिक किया, और आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने सेपरेट किया, अब आप देख पाएंगे 15 फिट 2 इंचेस एंड 16 फिट 6 इंचेस आपका एग्जैक्ट वो अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो कहीं पे भी अगर आपका अनइवन एरिया, आपका रेक्टेंगल या स्क्वेयर में एरिया नहीं है, किसी और शेप में अगर आपका एरिया है, तो वो अच्छे से यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिखा पाएगा। उसके लिए तो आपको रूम सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और सेपरेटली आपको उसकी बाउंड्रीज को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सेम है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ की चेक करता हूँ अलाइन की हेल्प से, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस चीज को क्लिक किया तो आता है 15 फिट 11 इंचेस, और यहाँ से यहाँ चेक करता हूँ 12 फिट 2 इंचेस, बट इसने इस चीज को भी इंक्लूड किया है। अगर मैं यहाँ पे एरिया सेपरेटर लगा दू, रूम सेपरेटर अगर मैं यहाँ पे यूज कर दू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो एग्जैक्ट वहां पे लेगा जो यहाँ पे है 12 फिट 2 इंच जो ये वाली है, 15 फिट 11 इंच जो आपकी ये वाली है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने डायमेंशनिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो इसके साथ अगर आपको ऐड करना है कि मेरे को एरिया भी इसके साथ ऐड करना है कि मेरे को एरिया भी शो करे, तो इस पे क्लिक करें, एडिट फैमिली पे जाएं। एडिट फैमिली में जाने के बाद दोबारा से यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें, लेबल पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप एरिया को आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके करें तो आपका देखो एरिया भी यहाँ पे आएगा,
स्पेस कितना रखना है इनके बीच में, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। लोड इन टू प्रोजेक्ट करें, ओवरराइड करें, तो यहाँ पे सबके नीचे वो एरिया भी आपको शो करेगा। एरिया शो करना है, वॉल्यूम शो करना है, रूम नंबर, रूम नेम, जो भी आपको शो करना है वो आप यहाँ पे इजिली शो कर सकते हैं। और उसके बाद आप कलरफुल लीजेंड्स वगैरह बना सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहां से भी उस वीडियो को देख पाए। तो ये था आज की वीडियो के लिए, कैसे आप रूम डायमेंशंस ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं, रूम की डायमेंशन। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमें टेक्स्ट की हेल्प से लिखना पड़ता है। अगर हम इस तरीके से इस चीज को यूज करेंगे तो बहुत इजीली और करेक्ट डायमेंशन आप यहाँ पे डाल पाएंगे, और काफी टाइम आपका इस चीज में सेव होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी काफी इससे रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। स्केचअप की वीडियो, रेविट की वीडियो, मैक्स की वीडियो, लुमिन की वीडियो, ऑटोकैड, आप हर एक 3D सॉफ्टवेयर आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर सच में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज सपोर्ट करें ताकि हम इस टाइप का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट।